नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई फेरबदली हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में ये फेरबदलियां कुछ ऐसी हो रही है जो बड़े झटके दे रही है और बड़ी पार्टियों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी को नफा भी होता है। बात फिलहाल हम चिराग पासवान और लोजपा की कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। काली प्रसाद पांडे का नाम आपने सुना होगा, पूर्व सांसद हैं, बाहुबली की छवि रही है। कहा जाता है कि प्रतिघात फिल्म जो आई थी उसका उसके जो विलन का कैरेक्टर था वो हूबहू काली प्रसाद पांडे से मिलता था। बड़े ओहदे के नेता माने जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने चिराग पासवान और लोजपा को अचानक से बड़ा झटका दे दिया है। लोजपा का साथ छोड़कर वे सीधे महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से वे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने लोजपा का दामन छोड़ दिया है, यानी कि चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। केंद्रीय समिति के सदस्य रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने लोजपा को छोड़कर कांग्रेस का साथ अपना लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और वो भी कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से। आपको बता दें कि आज ही काली प्रसाद पांडे दिल्ली से आए पटना और फिर पटना से सीधे गोपालगंज का उन्होंने रुख किया और ये बात अब साफ हो गई है कि वे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं और वे चुनाव लड़ने वाले हैं जेडीयू के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ, यानी कि पप्पू पांडे के खिलाफ। आपको पता है कि अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे सतीश पांडे के छोटे भाई हैं जो तेहरे हत्याकांड मामले में जेल में सजायाफ्ता है। आपको बता दें कि काली प्रसाद पांडे लोजपा में काफ़ी बड़ा और मजबूत ओहदा रखते थे और अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने लोजपा का साथ छोड़ दिया है। केंद्रीय समिति के मेंबर रहे हैं, कोर मेंबर्स में माने जाते थे काली प्रसाद पांडे, पूर्व सांसद रहे और अचानक बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब चिराग ने पूरी तरह से ये ठान लिया था कि जेडीयू को हराना है किसी भी हाल में, तब काली प्रसाद पांडे जैसे नेता ने लोजपा का साथ छोड़ दिया है और सीधे उल्टी धारा की तरफ आ गए हैं, यानी कि लोजपा से बिल्कुल इतर। इधर कांग्रेस महागठबंधन का साथ काली पांडे ने अपना लिया है। कुचायकोट से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे, यानी कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए चुनाव लड़ेंगे कुचायकोट से काली प्रसाद पांडे, जेडीयू के उम्मीदवार यानी कि एनडीए के उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के खिलाफ। तो लोजपा का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा काली प्रसाद पांडे, पूर्व सांसद रहे, केंद्रीय समिति के मेंबर रहे, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। लोजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं और जेडीयू के अमरेंद्र पांडे को टक्कर देने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि काली प्रसाद पांडे के लोजपा छोड़ने से लोजपा को कितना नफा नुकसान होता है और काली प्रसाद पांडे विधानसभा चुनाव में कितने सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।